Hello everyone. Welcome to Elite's Grid. So today we will be discussing a certain question type which comes in NMat exam. So we have questions where you have to find the error in the sentence, and we will discuss one of the type of those error detection questions, which is subject verb agreement. So we will discuss the questions or you know different issues that can be there in a sentence related to subject verb agreement. So let's start some of the concepts. So like the first one is. दे विल रियली फार फ्रॉम ईच अदर सो यू कैन गेट कन्फ्यूज दैट विच वन इज द सब्जेक्ट एंड वेन यू आर नॉट श्योर विच वन इज द सब्जेक्ट देन हाउ विल द वर्ड विल अकॉर्डिंग टू इट सो बेसिकली यू नो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मीन वॉट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मीनस दैट वर्ब हैज टू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट जिसके बारे में हम कुछ बातें बताते हैं दैट्स अ सब्जेक्ट सो so, जो वर्ब हम उसके लिए यूज कर रहे हैं दैट हैज टू टू बी अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट सो इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब शुड बी सिंगुलर इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब शुड बी प्लूरल तो इस केस में क्या में क्या होता है पॉजिटिव्स कि सब्जेक्ट और तो वर्ब बहुत दूर प्लेस हो जाते हैं एक दूसरे से बिकॉज ऑफ विच देयर कैन बी अ डाउट अबाउट यू नो व्हिच वन इज द सब्जेक्ट सो जब सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं होगा कि क्या है तो वर्ब आप उसके अकॉर्डिंग कैसे करोगे सो इन सेंटेंसेस में ये इश्यू होता है सो यू कैन गेट कंफ्यूज बट लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स फॉर एग्जाम्पल रिया वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स इज वेरी ब्यूटिफुल अब यू नो दिस फ्रेज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स ये रिया के लिए ही तो है तो सब्जेक्ट तो रिया ही है ना दिस इज जस्ट वन ऑफ द मॉडिफायर्स जो रिया की हमें कोई कैरेक्टरिस्टिक uh, बता रहा है सो रिया वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इज़ वेरी ब्यूटिफुल तो यहां पर आर नहीं आएगा इवन इफ यू नो वी हैव गर्ल्स हियर यहाँ पे फिर भी इज आएगा वाई बिकॉज द सब्जेक्ट इज रिया ये जो कॉमा के बाद वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स है दिस इज जस्ट रेफरिंग टू रिया ओनली सेलिंग समथिंग एडिशनल थिंग अबाउट रिया तो इस केस में यू हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट इज द सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज रिया तो गर्ल्स भले ही पास में हो तो आर नहीं लगाना है आर विल बी रॉन्ग इफ इट इज गर्ल्स हियर बिकॉज वी आर रेफरिंग टू रिया सेकंड एग्जांपल माय ब्रदर्स कार अ स्पॉटी रेड कन्वर्टेबल बकेट सीट्स इज द एनवी ऑफ माय फ्रेंड्स अब यहां पर वर्ब क्या हेल्पिंग वर्ब इज अब वो सीड्स के पास अब ये नहीं सोचना कि सीड्स है तो मतलब प्लूरल की बात कर रहे हैं हम सोच शुड बी आर हैं नो व्हाट इज द सब्जेक्ट माई ब्रदर्स कार कार इज द सब्जेक्ट कार इज सिंगुलर तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए तभी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होगा अदरवाइज नहीं होगा तो अगर ये सिंगुलर है देन वी वुड नीड इज़ तो सीट्स नहीं होगा मतलब सीट्स अगर है तो भी आर नहीं होगा वाई बिकॉज द सब्जेक्ट इज नॉट सीट्स सी सब्जेक्ट इज कार कार इज सिंगुलर तो इज आएगा आर नहीं आएगा सो वी कैन हैव अनदर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल द टाइगर आउट ऑफ ऑल द एनिमल्स आउट ऑफ ऑल द एनिमल्स वॉज द फर्स्ट वन टू अटैक वॉज वॉज आएगा वॉज हियर वाई वॉज द फर्स्ट वन टू अटैक

तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग ही होगा सो दिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एरर्स नाउ द सेकेंड टाइप एडिटिव नाउ रिमेंबर जब हम सेंटेंस में एंड यूज कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो डेफिनेटली मोर देन वन थिंग थिंग सो वी आर टॉकिंग अबाउट टू लाइक राम एंड श्याम तो इट्स प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसलिए हम इज नहीं लगाते आर लगाते हैं राम एंड श्याम आर स्टार्टिंग वी आर रेफरिंग टू यू नो पीपल मोर देन वन पर्सन सो सब्जेक्ट हमारा plural है. तो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए बट एडिटिव्स क्या होते हैं एडिटिव्स लाइक इन एडिशन टू अलोंग विथ एज वेल एज टूगेदर विथ इंक्लूडिंग अलोंग विथ तो इसमें क्या होता है इन सब में हम आर नहीं लगाते इज लगाते फॉर एग्जाम्पल यू नो आर के जैसे एंड एंड के केस में हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं दिस प्लस दिस तो इसका मतलब हम दोनों को इक्वल अटेंशन दे रहे हैं तो इसलिए हम हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया एंड आर यूजिंग विद इट बट यू नो में क्या होता है समथिंग इज एन एडिशन टू द मेन थिंग एक मेन थिंग है और उसमें कुछ छोटे छोटे और एडिशंस भी हैं जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव बिग कंटेनर तो उसमें आप कुछ ड्रॉप्स ऐड कर रहे हो सो दो ड्रॉप्स वोट चेंज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एंटायर कंटेनर या इसमें जो भी सॉल्यूशन है तो फोकस एक ही चीज रही ना, तो में भी यही होता है like as well as, या इसमें हमारा एक ही एक ही ही चीज पे पे होता होता है, है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगल होगा फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम अगर यहाँ पर एंड है तो हम दोनों को बराबर अटेंशन दे रहे हैं, तो आर एज वेल एज श्याम तो उसमें एडिशन की मेन चीज तो राम ही है तो इस केस में आर नहीं आएगा इज आएगा ठीक है सो दिस इज एडिटिव लाइक माई टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स अब यहां पर आपको लगेगा कि हम ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं टीचर एंड स्टूडेंट्स प्लूरल होना चाहिए पर यहां पर वर नहीं आएगा क्योंकि ये एडिटिव है अलोंग विद इसमें यूज हुआ एंड नहीं है अलोंग विद अलोंग विद में वर नहीं होगा वॉज होगा बिकॉज द फोकस इज टीचर ओनली जो सब्जेक्ट है टीचर ही है द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट तो वॉज नॉट वर रिमेंबर दिस अगेन मिस्टर शर्मा विद हिज वाइफ वर वॉज प्रेजेंट एट द टेम्पल सो अब यहां पर मिस्टर शर्मा के साथ हमने विद लिखा है विद एंड नहीं होता अगर ऐसे होता मिस्टर शर्मा एंड मिसेस शर्मा तो हम लिखते थे वर प्रेजेंट एट द टाइम क्योंकि एंड में हम दोनों को बराबर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं एंड दैट इट्स एंडल बट जब हमने विद लिखा है विद तो वाइफ इज यू नो समथिंग इन एडिशन पर मेन जो है वो मिस्टर शर्मा है सो मिस्टर शर्मा विद हिज वाइफ प्रेजेंट सो रिमेंबर दिस में लाइक इन एडिशन टू अलॉन्ग विद एज वेल एज टूगेदर विद इंक्लूडिंग फॉर एग्जाम्पल लेट से हर फेस

ये प्लूरल है मतलब हम दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं राम को और श्याम दोनों को बट आई एम ईदर और या नीदर नॉर तो उसमें हम एक बारी में एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं मतलब दो चीजें हैं उसमें से एक बारी में आप एक ही के बारे में बात कर रहे हो दोनों को एक बार में नहीं ले रहे हो जब बोथ और एंड है तो दोनों एक ही बार में एक्शन हो रहा है बोथ राम एंड श्याम दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं बट ईदर राम और श्याम मतलब इन दोनों में से कोई एक तो अब एक पे फोकस होता है ना दोनों में से कोई एक तो इसमें इज इस आएगा सिंगुलर आएगा सो ईदर राम और श्याम नीदर राम नॉर श्याम इज स्टार्टिंग नीदर जब दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा हो और ईदर जब कोई एक कर रहा हो बट नीदर और नीदर नॉर्थ इसमें हम दोनों में से किसी एक बारे में किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हो तो एक बार वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग ए टाइम सो इट्स अ सिंगुल सब्जेक्ट सो यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ड विद इट बट बोध में वी आर रेफरिंग टू बोथ द थिंग्स टूगेदर सो इट हैज टू बी एंड एंड यू नो वी आर यूजिंग प्लुरल वर्ड प्लुरल हेल्पिंग वर्ड विच इज आर विद इट सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस नाउ वन मोर थिंग अब हमने कहा ये दो चीजों के साथ यूज होता है ईदर और नीदर नो जब दो चीजों में से किसी आप एक चीज को रेफर कर रहे हो कि यू नो ईदर दिस पर्टिकुलर थिंग और दैट पर्टिकुलर थिंग अब ये हो सकता है कि ये एक पर्टिकुलर चीज में एक सेट की तरह एक प्लूरल यूज हो सकता है जैसे नीदर रीना नोर हर फ्रेंड्स तो आप कहोगे ये तो प्लूरल है बट इस केस में क्या होता है कि हम उसको एक एक ही सेट एक यूनिट की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि रीना और फ्रेंड्स मतलब हर फ्रेंड्स तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं नॉ यू का नॉर्मली हम दो चीजों के लिए ही यूज करते हैं नीदर और 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 नीदर और हम दो चीजों के लिए यूज करते हैं बट यू नो इस केस में भी यू यू नो कैन आस्क ये तो दो से ज्यादा हो सकते हैं तो तो भी यूज कर सकते हैं भाई बिकॉज हम यहाँ पर इसको एक यूनिट की तरह ही यूज कर रहे हैं तो मतलब दो ही है ये चीजें लेकिन इस वाले केस में क्या होता है जब ऐसे एक टर्म यहाँ पर एक चीज दो चीजें जो हम यूज करते हैं उसमें से अगर एक लूरल आ जाए तो रूल क्या होता है तो रूल ये होता है कि जो भी चीज जो भी सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब के एकदम पास में होगा ना दैट वर्ब जो है जो हेल्पिंग वर्ब होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विच इज नियर टू इट सो हियर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रीना एंड यू नो हर फ्रेंड्स दो लोग हैं ठीक है इसको हम एक यूनिट की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं रीना तो सिंगुलर है पर फ्रेंड्स प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब के पास जो हेल्पिंग वर्ब है उसके पास इन दोनों में से कौन सी चीज है दैट 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 विल विल डिफाइन वेदर हेल्पिंग वर्ब यूजिंग बी सिंगुलर और प्लूरल तो अगर रीना पास में है हेल्पिंग वर्ब के तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा बिकॉज रीना इज सिंगुलर अगर हर फ्रेंड्स पास है हेल्पिंग वर्ब के देन द हेल्पिंग वर्ब विल बी प्लूरल बिकॉज हर फ्रेंड्स इज प्लूरल फॉर एग्जाम्पल नीदर रीना नॉर हर फ्रेंड्स और इन दोनों में से क्या लगेगा हर फ्रेंड्स पास में है ना हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगना है फिजिकली देखो यहाँ पे पास में है तो फ्रेंड्स पास में तो नहीं होगा आर होगा आर यूज होगा इस केस में बिकॉज फ्रेंड्स के साथ में ना सेकेंड इस वाले सेंटेंस में नीदर रीना रीना सो इस केस में रीना पास है आर और इज जो आता है लगाना है उसमें जो पास है वो क्या है वो सिंगुलर चीज है तो इसलिए ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा तो आर नहीं होगा इज होगा तो अगर हम मतलब देखो नॉर्मली तो दो के लिए यूज होता है तो और एंड में हम इज मतलब सिंगुलर ही लगाते हैं बिकॉज दो में से हम एक ही चीज को रेफर कर रहे होते हैं बट अगर ये वाला केस है जिसमें हम दो यूनिट्स तो यूज कर रहे हैं बट एक यूनिट एक्चुअली प्लूरल है तो जो भी यूनिट

तो ऐसे ही ईदर और नीदर में फिजिकली जो पास है उसके अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब है तो ऐसे आप याद कर सकते हो यू नो सो दैट एग्जाम में एकदम से याद आ जाए भूलो ना तो ईधर और नीदर का न और एक और चीज यू नो ऑफ कोर्स इट इज यूज फॉर टू थिंग्स यू नो वी रेफरिंग टू टू थिंग्स ईधर ऑफ फाइव मेंबर्स नहीं आएगा ठीक है एनी ऑफ फाइव मेंबर्स हो सकता था तो ईधर नहीं ये गलत है फाइव नहीं होना चाहिए था ईधर फाइव के साथ नहीं आएगा अनादर थिंक बोथ ऑफ दैम डिड नॉट टेक द एग्जाम जब दो चीजों पर नेगेटिव बता रहे हो तो बहुत नहीं आता यू नो दिस इज नॉट राइट बोथ ऑफ दैम डिड नॉट टेक द एग्जाम ऐसे नहीं यूज करते हम नीदर ऑफ टूक द एग्जाम दिस इज हाउ बी यूज दिस सेंटेंस तो बहुत दोनों नेगेटिव मतलब दो चीजों के पॉजिटिव के लिए आप यूज कर सकते हो बट दो चीजों के नेगेटिव के लिए बहुत नहीं यूज होता है कॉमनली सो so, नीदर ही यूज करना चाहिए सो दिस अनादर थिंग यू शुड कीप इन माइंड नाउ वी आर डन विद दिस ऑल्सो so we we have one question for you also to solve now you have to tell the answer he is sentence what's the mistake the rise and fall of the tide the rise and fall of the tide are due to lunar influence so, in this sentence, what is the mistake? Please let us know in the comments. So, the rise and fall of the tide are due to lunar influence. Please let us know the answer in the comments. Thanks a lot for watching the video. I hope you would have enjoyed it.